अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जवाद बशीर। आप देख रहे हैं जवाद की दुनिया। आज संडे है और सबसे दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आज पाकिस्तान और इंडिया का मैच भी है और बहुत ही अच्छा कम्बो है कि संडे भी और पाकिस्तान इंडिया का मैच भी। डेफिनेटली आई मीन पाकिस्तान इंडिया के मैच को लेकर बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट होती है, ना कि पाकिस्तानीज और इंडियंस आपस में। आई मीन आप बहुत अच्छा माहौल होता है। उसके अलावा पूरी दुनिया में जहाँ कई क्रिकेट को देखा और पसंद किया जाता है, उन सबकी कोशिश होती है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान इंडिया का मैच हो जाए। तो पाकिस्तान और इंडिया का मैच भी वहाँ पे हो रहा है जहाँ पे पाकिस्तानीज और इंडियंस बहुत ज़्यादा आई मीन तादाद में वहाँ पे रहते हैं। जी मैच हो रहा है दुबई में। तो आज का मैच है, सब दोस्त बैठे होंगे, सब अपने अपनी राय का इजहार करेंगे, तो बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट होने वाला है। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर हम सब पाकिस्तानीज हैं, सिर्फ एक बांग्लादेशी भाई है, हमारे साथ कोई इंडियंस नहीं रहते। अगर इंडियन रहते होते तो मिल के बैठ के आई मीन मैच देखने का एक अपना मज़ा होता है, एक अपना इन्वायरमेंट होता है। तो इस वीडियो के थ्रू एक मैं मैसेज भी देना चाहूँगा कि जहाँ भी लोग आई मीन पाकिस्तान इंडियंस रहते हैं, तो प्लीज़ गेम को गेम समझे, आपस में कोई चीज़ को पर्सनल मत लें। और बैटर जो टीम अच्छा खेलेगी डेफिनेटली वही जीतेगी, बैटर साइज ऑलवेज विन। तो अपना 100% देना चाहिए, बाकी हार जीत तो गेम का हिस्सा ही है। तो मिसी तक बहन, इस पहले अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक टाइम पहुंच सके। तो चलते हैं जी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो की तरफ। इन द कैमरा मैं कुछ सीन्स आपको दिखा देता हूं जी। हमारे यासर भाई आ चुके हैं जी, और दूसरा जी सिकंदर भाई दंडरी जी, और यहाँ पर बना रहे हैं जी मैच से पहले। एक न्यारी बन रही है जी, और दूसरा लैन। यस रिजी भाई, आज के मैच को लेकर आप कितना एक्साइटेड हैं? I'm not interested. ये तो क्या कह सकते हैं ना, मैं अब क्या कहूँगा, I'm not interested. तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, आपके पास अल्फाज नहीं है आज के मैच को एक्सप्लेन करने के। सिकंदर भाई आप क्या सोच रहे हैं, कैसा फीलिंग है आपकी इस आज के मैच को लेके? वैसे मैं भी बताऊँ, मेरे कोई कमेंट्स नहीं है, मैं तो और इन्होंने एक और बात कह दी कि ये तो क्रिकेट से इनको इंटरेस्ट ही नहीं है। कि जैसे जैसे मैच का टाइम नज़दीक आ रहा है तो एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है। तो हाँ जी अकील भाई, क्या बना रहे हैं आप? मैं दूसरा बना रहा हूँ। दूसरा बना रहे हो? क्योंकि गर्मी बहुत हुई है। तो क्योंकि पता क्या है, ये बहुत जोशीला मैच है, इंडियन पाकिस्तान इज प्लेइंग, समझ आ रही है? अच्छा, बहुत गर्मी हो जाती है अंदर। लेकिन आज के मैच को लेके आपके क्या विचार हैं वैसे? देखिए, एज बीइंग ए पाकिस्तानी, मैं तो पाकिस्तान को सपोर्ट करता हूं। अच्छा, लेकिन मैंने काफी दिनों से मैचेस देखे नहीं है, सो आई डोंट नो कि इंडिया की टीम कितनी काबिल हो गई है। ठीक है, सही। वो जीत सकती है कि नहीं जीत सकती, या वो अच्छी टक्कर पाकिस्तान को दे सकती है कि नहीं दे सकती। अभी मैंने किसी से सुना था कि शाहीन अफरीदी नहीं खेल रहे, उनके भी कोई एक बॉलर है वो भी नहीं खेल रहे। यस, बुमराह भी नहीं खेल रहे हैं, कि दोनों टीम के जो मेन बॉलर्स हैं ना वो इस मैच में नहीं होंगे। तो होप्स होगा मैच बहुत ही एक्साइटिंग होगा, और एंड ऑफ द डे एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, और क्या कहते हैं, जो टीम अच्छा खेलेगी डेफिनेटली वही विन करेगी। तो बेटर साइड ऑलवेज विन करेगी, आपने सही कहा, लेकिन ऑलवेज वो जो होता है ना किस्मत, वो भी साथ होती है। ठीक है, यस यस, ठीक है। अल्लाह हमेशा जो है ना, जो मेहनत करता है ना उनको वो देता है फतेह। अच्छा, एंड ऑन द पिच आई कैन सी बाबर आजम, इज इट बाबर आजम? या एंड वो दूसरा कौन सा है क्या सुनिए? शायद मुझे नाम ही पता ना, शायद अफरीदी नहीं, दूसरा वो रिजवान आई थिंक होंगे। लेट्स सी, ये काफी स्ट्रेचेस वगैरह कर रहे हैं, देखें इनका क्या बनता है। लास्ट 2021 में यही दो ओपनर थे जिन्होंने 122 चेस किया था, और यस, पूरे पाकिस्तान की नहीं पे उम्मीद है कि ये अच्छा खेलेंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेट्स सी। ठीक है, ये भी आपके ख्याल में क्या आउट है? मेरे हिसाब से आउट नहीं है, ये काफी हाई है। इवन के बैट्समैन भी कह रहा ऊपर लगा, व्हाट एल्स लेफ्ट ना, मतलब माफ करिए, 50-50 लग रहा मुझे। नहीं, खेल तो हो रहे हैं लेकिन नर्वस हम हो रहे हैं, जैसे वो बैट टच नहीं है, बैट तो नहीं इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन हाइट हो सकती है, अल्लाह करे हाइट हो, और क्योंकि गैप है इनक्रीज से और बॉल से ना काफी गैप है, तो आई होप सो के नहीं है, वो तो पैड पे लगी है ना, पैड पे भी नहीं लगी, पैड से काफी ऊपर लगी है, थाई पैड होता है वहां पे। And luckily, उनके जो बेबी मेकिंग मशीन है वो बच गई है। Yes, thank God. Hang on.
और नहीं है यार, अल्हम्दुलिल्लाह बचत हो गई है यार। अल्लाह का नाम है, कल भी हमने एक गलत है उन्होंने डिसीजन दिया था, लेकिन जब अभी तक दो ओवर हो चुके हैं, दो ओवर में जी पाकिस्तान के हो गए हैं जी 12 रन और अल्हम्दुलिल्लाह कोई आउट नहीं हुआ, नहीं 12 स्कोर है भाईजान, और अभी तक एक दो रिव्यू ले चुके हैं आई थिंक सो, दोनों साइड से एक एक रिव्यू हो चुका है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूंगा कि दोनों टीमों के ऊपर प्रेशर बहुत है, ठीक है, इसी वजह से उन्होंने रिव्यू भी लिया और बैट्समैन भी बॉलर भी काफी अंडर प्रेशर है, ठीक है। अगर आप देखें जो सेकंड बॉलर आए थे जो सरदार जी थे अवधेश कुमार, बहुत बाय बाय बॉलर फेंक रहे, ठीक है, और ये जो हमारे बल्लेबाज है जो अभी खड़े हैं सामने रिजवान साहब जी, वो थोड़े से मुझे लगता है अंडर प्रेशर, थोड़े नर्वस लग रहे हैं मुझे, वो भी नर्वस लग रहे हैं, और जो लेफ्ट आर्म बॉलर है मुझे वो तो मतलब थोड़ा डेंजरस लग रहे हैं, क्योंकि लेफ्ट आर्म हमेशा किसी भी राइट हैंड बैट्समैन के लिए खेलना बहुत आई मीन डिफिकल्ट होता है, तो लेट्स सी आगे क्या होता है जी। 87 मीटर का बॉल है, वेल प्लेड, वेल शॉट, बॉलर चेंज हो गया ना, एक और खेला पहले, ओ भाई ओ भाई, नहीं ऑन था पहला ओवर था, दैट्स ऑल, अल्लाह देव मनी लंग कर दिए आए। हाई वोल्टेज मैच है और उसको जरा क्या गर्म हो रहे हैं सब, सब गर्म हो रहे हैं, ठंडा करने के लिए आइसक्रीम, सब गर्म हो रहे हैं, अभी थोड़ी आइसक्रीम चलेगी, पहले दूध सोडा पिए ठंडा होने के लिए, आइसक्रीम ठीको अच्छा। की नहीं है ये, सॉरी किसी और की है, अच्छा अच्छा आइसक्रीम की गाड़ी जा रही है यार, ये हो गया आइसक्रीम पे, तो व्हाई नॉट मेरी जान, मैच अभी तक हो चुके हैं जी 15 ओवर हो गए और 15 ओवर में अभी तक स्कोर है जी पाकिस्तान के 102 और 5 खिलाड़ी आउट हुए हैं, तो बाकी जो 5 ओवर रह गए तो उसमें कितने आई मीन प्रेडिक्शन के आपके कितने स्कोर बने, मेरे हिसाब से लेना बना मैंने 160-170, मतलब एक मेरी प्रेडिक्शन से, ओए वेरी प्रेडिक्शन से, अच्छा अकील भाई आप बताएं, अभी भी मैं यही कह रहा 160-180 के बीच में, मतलब 30 बॉल्स पे 50-60 को लान सकते हैं, मुझे लगता है मुझे पैंट अभी आउट है, लेकिन मैं चल भाई आउट हो गया, 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 आउट हो जी अभी तक पहली इनिंग हो चुकी है, तो अकील भाई आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप गौर से देखें ना, उन्होंने वाला वीक पॉइंट पकड़ा है, वो शॉर्ट बॉल, जब जब उन्होंने शॉर्ट बॉल कराई हमारे अच्छे बैट्समैन उसमें आउट हुए, ठीक है, और जैसे ही उस वो दानी जो है बैट्समैन उसने शॉर्ट बॉल पर छक्का मारा उसने आगे बॉल करवाई, यही हमारे बैट्समैन को करना चाहिए था, जो प्रॉपर बैट्समैन है उनको चाहिए था शॉर्ट बॉल को प्रॉपरली खेलें, या तो उसको ऐसे खेलें प्रॉपरली या लेफ्ट कर बॉल को लीव कर दें, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे बॉलर्स अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, बिकॉज उनको कहते हैं कि फुली प्रेशर से जाना चाहिए और ऐसे शॉर्ट बॉल दें ताकि वो भी कैच दें, या तो सीधी गिलियां पर काटें, ठीक है, तो टारगेट अभी हुआ टोटल 147, मुझे उम्मीद थी कि 160 से अब जाएगा, लेकिन ऑब्वियसली हमारे जो बैट्समैन हैं उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, बट आई होप मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारे बॉलर्स हैं वो परफॉर्म करेंगे अच्छा, तो मतलब फाइटिंग स्कोर है कि गेम अच्छी हो सकती है, और ये डिपेंड्स कि जो पहले वाले जो हमारे बॉलर्स हैं ना, अगर विराट कोहली को वो आउट कर लेते हैं, जो उनके ओपनर्स हैं उनको, रोहित शर्मा है, ठीक है, देन ऑब्वियसली देयर इज अ चांस ऑफ विनिंग, और ये पता है आपको लास्ट ईयर जो आई मीन वर्ल्ड कप हुआ था उसमें जो इंडिया ने टारगेट दिया था 150 और 152 था, और ये भी ऑलमोस्ट सेम ही है, तो फाइटिंग स्कोर है, तो फाइटिंग स्कोर है, बट प्लेयर्स आर डिफरेंट, ये आपको अपने ब्रेन में रखना चाहिए कि प्लेयर्स डिफरेंट है हमारे, चैलेंज ठीक है, बॉलर डिफरेंट है हमारे, सही है। तो मैं अभी भी दुआ करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान जीतेगा, ओबीसी एज अ बीइंग पाकिस्तानी मैं तो उन्हीं को सपोर्ट करूंगा, लेकिन इंडियन बॉलर्स मैं कहूँगा उन्होंने अच्छी बॉल की, लेकिन जो बैट्समैन थे उनको बेहतर खेल सकते थे, सही, ये नहीं है कि कोई आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की उन्होंने, इट वॉज जस्ट अ नॉर्मल बॉलिंग, समझ आई है, शॉर्ट पिच बॉल कर दी, दैट्स इट, एंड 3-4 हमारे बल्लेबाज वैसे आउट हो गए,
ठीक है, बट आई थिंक दे नीड टू वर्क ऑन देयर बैटिंग स्किल्स, स्पेशली हाउ टू प्ले द शॉर्ट बॉल. ये उन्हें, ये मेरा मैसेज है पाकिस्तान बैट्समैन के लिए, जो ओपनर्स हैं या जो भी शुरू वाले बैट्समैन. सही सही, चलिए देखते हैं. ये सेकंड अभी इनिंग स्टार्ट हो गया, 15 से 20 मिनट बाद, तो लेट्स सी के इंडियन बैट्समैन क्या करते हैं और हमारे पाकिस्तानी बॉलर्स क्या गुल खिलाते हैं. इंडिया की बैटिंग स्टार्ट हो चुकी है और पहले ओवर में आई थिंक दूसरी गेंद पे एक आउट हो गया, कोई का कैच नहीं लिया, लेकिन एनीवेज मिस आउट होते हैं. मैं जैसे पहले अभी भी आपको ये भी बता रहा था कि नसीम बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है मेरे हिसाब से, ठीक है. सही, मैं भी ओबीसी रॉन्ग हो सकता हूँ, लेकिन मैंने जो इंडियंस के बॉलर देखे, इंडियन बॉलर जो देखे हैं, उनकी इतनी अच्छी नहीं बॉल सीम होकर जा रही जितनी इसकी अच्छी जा रही है, ठीक है. सही, तो यही मैं कहना चाहूंगा. लेकिन ये भी कह सकते हैं उनके जो बैट्समैन है वो भी हमें उसी क्लास के हैं जैसे हमारे क्लास के, वो बॉलिंग कह सकते हैं कि वो उसको खेलने में इतने ही वो एक्सपर्ट भी हैं. आप कह सकते हैं जो आपके जुबान अल्लाह ने आपको भी दिया, जो मर्जी के तो नहीं. अच्छा जी, फिर भी अभी तक क्या स्कोर हो गया? 52 हो गया जी, और इंडिया के हो गए जी 3 आउट. अभी कोहली आउट हुआ है जी नवाज की गेंद पर, तो अभी तक कैसे देख रहे हैं मैच को? कोहली की विकेट इज अ बिग विकेट, वही विकेट इन्हें शुरू में जो उसका कैच हो रहा है ड्रॉप हुआ था, तो अभी वो 53 जितने भी स्कोर हुए कोई फर्क नहीं है, पूरा पूरा आउट है ये, आउट ये, लेकिन बोल है जी. मैच तो खत्म हो गया, सब लोगों ने मैच भी देख लिया होगा, बहुत ही जबरदस्त कह सकते हैं कि आई मीन दोनों टीमों ने बहुत ही अच्छा खेला, नहीं हो बहुत ही जबरदस्त मैच. आप इस मैच को किस नजर देखते हैं कमेंट सेक्शन में जाएगा जरूर कीजिएगा. मिलते हैं नई वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.